हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 नहा धो के। तो जैसे कि मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ आपको, मैं सुबह ही फ्री हो जाती हूँ। 6 बजे तक मैं नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे बाबा की वो तैयार करना था। और एक बार मैं आपको बाबा को भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे स्वीट स्वीट मेरे प्यारे बाबा, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। अभी मैं बाबा की ड्रेस से नहीं लेके आ पाई हूँ, नहीं वही ड्रेसें हैं जो मैं कई बार दिखा चुकी हूँ आपको रिपीट कर करके। मैं लेके आऊँगी बाबा की ड्रेस, क्योंकि अभी थोड़ा बस है कोई प्रॉब्लम, तो अभी मैंने बनाई भी नहीं है कोई भी ड्रेस बाबा की, तो बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर। मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा रखा है, मैं कुछ सोच रही हूँ मैं रजत से कि मैं रंग बिरंगी जो ड्रेस होती है ना वो बनाऊँ, तो देखते हैं कब बनाती हूँ। पर अभी जा रही हूँ मैं कपड़े धोने, और मेरे बाकी क्लीनिंग वगैरह, मेरी सब्जी वगैरह सब बन चुकी है। ये देखिए, एक बार बैक कैमरा कर, ये कपड़े रखे हैं धुलने के लिए। और ये देखिए, बिस्तर वगैरह सब सही हो गया मेरा, मतलब पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। और उस डब्बे में ना अचार रखा है जो मेरी मम्मी के घर से आए हैं। और मेरी गैस भी साफ़ हो चुकी है। आज है 11, और मैं बनाऊँगी बाबा के लिए खीर, रोटियाँ भी बनाऊँगी और खीर भी बनाऊँगी, मतलब रोटी और खीर का भोग लगाऊँगी बाबा के। तो ये देखिए, और ये देखिए बाबा भोलेनाथ जी। तो उधर चल रही है टीवी में वीडियो, और तो चलिए फटाफट पहले मैं कपड़े धो के आ जाती हूँ। गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ तो हर जगह ही हो रही होगी गर्मी, तो गर्मी होती है। तो चलिए मैं अभी कपड़े धो के आ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तब तक के लिए आप वेट करिए। शिवी आप क्या कर रहे हो? आप बताओ क्या कर रहे हो? आप बताओ ना, आप बताए ना। मैं तो आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आपने बात नहीं करूँगी। मेरा बंदर गया बाहर, और इधर बन रही है मेरी खीर। चावल की खीर नहीं बन रही है, 11 को चावल नहीं बनाते हैं, मुझे भी पता है। मैं सिमैया होती है ना, उसकी खीर बना रही हूँ। एक सेकंड आपको दिखाती हूँ। वो पसीने देख रहे हो कितने हो रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सिमैया की खीर, जो कि बाबा के भोग लगने वाला है। खीर का और रोटी का और दही का, इन सब का मैं बाबा के भोग लगाऊंगी। उधर आटा लगा हुआ रखा है, बस रोटी बनाना ही रह गया, बाकी तो सारा काम हो चुका है। और मेरी पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी, जो हम लोग घूमने गए थे, मतलब दर्शन वगैरह करने गए थे मंदिरों में, जो मेरी सिस्टर आई हुई थी, वो वीडियो भी मेरा अपलोड हो चुका है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़े आने वाले हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने लायक उन वीडियो में। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा जाके वो सारी वीडियो। और मेरी सिस्टर अब जा चुकी है अपने घर, उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, चक्कर में उसको जाना पड़ा, तो वो चली गई, तो घर एकदम सोना सोना सा हो गया है। तो अभी पहले फटाफट से मैं खाना बना के बाबा का भोग लगा देती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ठंडी कर दो बाबा की खीर। हाँ। बाबा को खाना खिलाएंगे। रोटी बना रही हूँ। अरे शिवम मारोगे बहुत। हाँ रे, रोटी खाएगा क्या? नहीं खाएगा। खाने चाहिए मुझे तोता। सच्ची? रोटी नहीं खाओगे आप? नहीं। एक बार ऐसे बोल दो, हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब?
आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मम्मी ना अच्छी है। मम्मी नहीं बोलेगा क्यों भाई? अभी अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। यार बाबू ये बर्तन मत फैला लाला यार। जानूरी तेरे लिए रोटी बना दूंगी शिवो। हाँ? रोटी बना दूं आपके लिए। हाँ। पक्का? पक्का। ओके डन। मम्मी। हाँ? तो ये गया। क्या हो गया है? सच में? ओके। और अभी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं खाना, क्योंकि गरम गरम हम भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते हैं। तो तब तक मेरी रोटियां बन जाएंगी। टाइम हमेशा बचा के रखना चाहिए। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सच में बहुत हो रही है। कूलर पंखा सब बंद कर रखा है, चक्कर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी थोड़ी देर में तो मैं बोला गाड़ी बाबा के वो दही और रोटी और खीर का। सूर्य भाई क्या हाल है? इधर देखो चोरी, जब मैंने भोग लगाया बाबा को उधर हो रही है चोरी। दिखाती हूँ क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? हैं? क्या चोरी कर रहे हो पैसों की? चोरी हो रही है पैसों की। पैसे दे दो। चोरी कर रहे हो पैसे के? भी रुक दे रही हूँ। चोरी हो रही है पैसों की? पैसे चोर? चोर कहीं का? ले ले पैसे। और हमारा खाना वगैरह हो चुका है, अभी दोपहर के बज चुके हैं 12। और मैं बाबा को भी सुला देती हूँ, क्योंकि इनका भी खाना वगैरह सब हो चुका है। तो ये सब ठीक करके हम सुला देते हैं बाबा को, और शाम को ही उठाऊंगी मैं बाबा को। और अब मैं भी शिवी को थोड़ी देर, इसको देखो कार्टून के चक्कर में बंदा खाना भी नहीं खाता ही, तो इसको भी सुलाने के बाद बस थोड़ा सा मैं वीडियो एडिट वगैरह करूँगी, फिर मुझे वीडियो थोड़ा अपलोड भी करनी है तो, और मुझे थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी शूट करनी है, मतलब शॉर्ट वीडियो भी बनानी है। तो अभी चलिए और वीडियो को एंड में यही करती हूँ। मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती, मुझे याद ही नहीं रहता। जब मैं सारा काम से फ्री हो जाती हूँ तब मुझे याद आता है यार ब्लॉग शूट करना था, भूल गए। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।